केंद्र सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट यांनी आदेश दिलेले आहेत की ऐच्छिक आहे म्हणून लस ऐच्छिक आहे आणि तुमचा मास्क घालणंसुद्धा ऐच्छिक आहे, टेस्ट करणंसुद्धा ऐच्छिक आहे, त्याच्यामध्ये अर्ज टाकूनसुद्धा आम्ही त्याच्यातनं तुम्हाला दिलेलं आहे. ऐच्छिक असतानासुद्धा तुम्ही कंपल्सरी करताय तर ते कंपल्सरी करू नये म्हणून आम्ही या ठिकाणी जनजागृत करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे. झिरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. स्वदेशी भारत आंदोलनाच्या वतीने अहमदनगर शहरात वॅक्सिन सक्ती विरोधात रॅली. स्वदेशी भारत आंदोलनाच्या वतीने अहमदनगर शहरात वॅक्सिनच्या सक्ती विरोधात आज रॅली काढण्यात आली. मेरा शरीर मेरा अधिकार, मास्क की जबरदस्ती नहीं चलेगी, वॅक्सिन की जबरदस्ती नहीं चलेगी अशा घोषणा देत रॅली शहरातून काढण्यात आली. याविषयी अधिक माहिती देताना स्वदेशी भारत आंदोलनांचे तो ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेना कंपलसरी नहीं है. हमारे पास में आरटीआई है, केंद्र सरकार ये कहती है कि वैक्सीन लगाना कंपलसरी नहीं है. मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए कंपलसरी है जिसको सर्दी खांसी और बुखार के कोई सिम्टम्स हो. बाकी आपको अगर मास्क पहनना है तो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना है, ये भी आपको आरटीआई में देती है. दूसरा, लोग बोलते हैं कि भैया आपकी ये इतनी सारी मौतें हो रही है तो वो कैसे हो रही है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी मौतें जो है कोरोना से नहीं हो रही, ये मौतें हो रही है गलत ट्रीटमेंट से. और वो कैसे, देखो कोई भी घर पर नहीं मरता, वो हॉस्पिटल में जाके मरता है. हॉस्पिटल में जब आपके पास दवाई नहीं तो आप वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या आलू छील रहे हैं? हॉस्पिटल में आप कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं? हॉस्पिटल में आप अगर बुखार आता है आपको तो आप पैरासिटामॉल दे रहे हैं, आपको अगर सर्दी खांसी हो रही है तो आपको एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, आपकी अगर इम्यूनिटी डाउन अगर हो रही है तो आपको जो है रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं. अच्छा, पहले आपने कहा कि रेमडेसिविर लगाना ये वरदान है कोरोना के लिए, फिर आपने जो है रेमडेसिविर का इतना ब्लैकमेलिंग हुआ, ब्लैक मार्केटिंग हुआ और पता चला कि बाद में आपने अपने मेडिकल प्रोटोकॉल से रेमडेसिविर को निकाल दिया. आपने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो वरदान है कोरोना को बचाने के लिए, फिर आपने इन्फेक्टेड प्लाज्मा देना शुरू किया. फिर प्लाज्मा जब आपने लोगों को दिया तो प्लाज्मा से लोगों की मौत होने लगी. अब जो है प्लाज्मा आपने अपने मेडिकल प्रोटोकॉल से निकाल दिया, तो गलत ट्रीटमेंट से जो जिनकी मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन? और आपने तो बड़े बड़े पोर्ट लगा दिए कि मैं जिम्मेदार. तो हमने आपको अगर चुन के भेजा तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कलेक्टर आपके शहर में सिर्फ 3 साल के लिए रहता है. आपको आप जिनको चुनकर देते हैं वो आपके ही बीच वाले लोग हैं, ये इनकी किसी भी लेटर के ऊपर साइन नहीं होती, किसी नोटिस पर साइन नहीं होती. आप इनको प्रश्न पूछो कि हमने कलेक्टर को चुन के नहीं दिया था, हमने आपको चुन के दिया था, तो आप हमको ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं होते हुए भी, स्वैच्छिक होते हुए भी आप वैक्सीन क्यों लगा रहे हो? आप जो है ये ज़बरदस्ती मास्क नहीं है फिर भी मास्क क्यों लगा रहे हो? हमारे फुफ्फुस हमारे लंग्स क्यों खराब कर रहे हो? और WHO खुद बोल रहा है कि भैया ये आपको गुलियन बैरे सिंड्रोम हो सकता है, मतलब आपका हाथ लुला हो सकता है, आपका पैर लंगड़ा हो सकता है. और मेरे पास में 7,700 लोगों की ऐसी लिस्ट है जो वैक्सीन लगाने के बाद मर गए. औरंगाबाद की स्नेहल लुनावत मर गई, वो डॉक्टर थी खुद. हितेश कड़वे में विरार का जो बच्चा था वो 23 साल का 3 घंटे के अंदर मर गया. ऐसे 10,700 लोग मर गए वैक्सीन लगाने के बाद. क्या आपके सरकार के पास में, आपके मन में, आपके दिल में इतना सा भी दर्द इन 10,700 लोगों का नहीं है? ये मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ. और ये कंपेंसेशन फॉर्म है. सरकार बोलती है कि 2005 के धारा जो नियम है, आपत्ति व्यवस्थापन का कायदा है, उसमें आपको जो है हर्जाना मिलता है. अगर आपका पेंडेमिक एक्ट अगर आपने लगाया, यही पेंडेमिक एक्ट बोलता है कि आपने अगर 2 साल भी अगर मुझे बंद किया, 1 साल भी अगर बंद किया, तो दोनों वक्त का खाना मुझे देना पड़ेगा. किसी सरकार ने मुझे इस पेंडेमिक में या लॉकडाउन में कोई खाना नहीं दिया. और दूसरा, और यही हर्जाना और यही धारा है, हमारा संविधान बोलता है कि पेंडेमिक एक्ट बोलता है कि ये हर्जाना जो है आपको डबल देना चाहिए. 1857 में 97 में जब प्लेग हमारे देश में आया तो अंग्रेजी सरकार ने ये नियम बनाया. अंग्रेजी सरकार जब चूहों को मारने का काम करती थी और साफ सफाई का काम करती थी तो वो जा जाकर घर घर पूछती थी, हर व्यापारी को पूछती थी कि भैया आपका कितना नुकसान हुआ, और वो बताती थी कि कोई बोलता था मेरा 1 लाख रुपए नुकसान हुआ तो अंग्रेजी सरकार कैश निकाल कर जो है पैसा निकाल कर डबल उनको देती थी. ये कायदा बोलता है, मगर सरकार से हम कोई फॉर्म भरकर नहीं ले रहे हैं. ये फॉर्म मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप ये भर भर के अपने कलेक्टर को दें और कायदे से ये आप उनको हर्जाना मांगे.
इसके लिए आपके समक्ष आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो अपने हक के लिए लड़ो दोस्तों, ये कायदा ये आवेदन पत्र भर भर के सरकार को दो, अपने MLA अपने MPs को जो है बोलो कि भैया ये सरकार बोलती है कि आप मुझे डबल हर्जाना देना चाहिए, तो मुझे डबल हर्जाना क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे वैक्सीन लगाना कंपलसरी नहीं होते हुए भी आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हो। मैं तो कहता हूं कि आप एक नहीं मुझे 10 डोज लगा दो, मगर मुझे अगर कुछ हो जाता है तो मेरे घर परिवार को चलाने के लिए उनको कुछ तो हर्जाना दो, उसकी जिम्मेदारी तो लो। सारी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर डाल देते कि मैं जिम्मेदार हूं, तो आप जिम्मेदार किस चीज़ के हैं, ये मेरा प्रश्न है। आप सबके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। बहुत